आज मनोरपुरा, तो मनोरपुरा में आज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की शिविर एवं ई श्रमिक को लेकर आज श्रम विभाग, रावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ, जग विद्या ट्रस्ट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी के संयुक्त तत्वाधान में ये शिविर चल रहा है। और सभी अपने कोई अपना जॉब कार्ड बनवा रहा है, तो कोई ई श्रमिक कार्ड बनवा रहा है, कोई श्रम कार्ड बारे में जानकारी ले रहा है, कोई प्रधानमंत्री मानधन योजना, कोई अटल पेंशन, सभी के बारे में जो है जानकारी ली जा रही है। और माता बहनें भाई सभी अपना अपना कार्ड बनवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई संजय लगातार सभी के कार्ड जी कल भेज देना, कब भेज देता तो देखें कि मनोरपुरा में ये शिविर चल रहा है। और हमारे साथ में सौरभ जी है। सौरभ जी बताएंगे, सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आज हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि मनोरपुरा जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शिविर चल रहा है, उसमें श्रम विभाग उदयपुर के श्रीमान संयुक्त संभागीय आयुक्त श्रीमान संकेत मोदी साहब हमारे बीच पधारे हैं, उनका इस कार्यक्रम में इस शिविर में मैं स्वागत करता हूँ। जग विद्या ट्रस्ट की तरफ से, राजस्थान राज्य श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड की तरफ से और नगर निगम की पूरी टीम है, तो सर भी पधारे हैं। और श्रम विभाग जो श्रम कल्याण विभाग उदयपुर वो भी अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहा है। जो असंगठित श्रमिक की टोल है उनकी ई श्रम कार्ड बना रहा है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कर रहा है, श्रमिक कार्ड का भी हो रहा है। और इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसमें नगर निगम द्वारा इस शिविर में जो बेरोजगार है जिनको रोजगार नहीं है, सरकार उनको 100 दिन का रोजगार दे रही है, ताकि जो कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है जो श्रमिक है वो इस रोजगार से वंचित ना रहे और उसके एरिया में उसको रोजगार दिया जाएगा। एक दिन का उनको 269 रुपये या 260 रुपये ऐसा कुछ मानदेय दिया जाएगा, और ताकि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। दिवाली से पहले 16 तारीख से इनकी सभी की जॉइनिंग डाली जाए। अभी कुछ जॉब कार्ड बन गए हैं, ई श्रम कार्ड भी बन गए हैं, तो ये सब पूरी टीम हमारा बना रही है। अभी हमारे बीच में कार्यक्रम में श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष माननीय जगदीरा श्रीमाली साहब भी अभी आके गए हैं, उन्होंने भी पूरा भी उनके हाथों से जॉब कार्ड वितरण करवाया था, सभी कराया। और इसी के साथ अब सोमवार जो 17 तारीख को ढेवर कॉलोनी प्रतापनगर में भी हम ये शिविर आयोजित करेंगे। जो हमने उदयपुर की जो कच्ची बस्ती 7 जगह शिविर कंटिन्यू हम लगातार कर रहे हैं, हमें श्रम कल्याण विभाग का बहुत सहयोग इसमें मिल रहा है। सर भी कल से हमारे बीच में आज भी है और भी आगामी दिनों में सर हमारे साथ उनका सानिध्य प्राप्त होता रहेगा, तो ये बहुत हमारी खुशी की बात है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि शिविर में सभी अपने ई श्रमिक कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्ड हो, सभी बना रहे हैं। और संजय के पास चलते हैं। संजय, कितने कार्ड बना दिए हैं और क्या बना रहे हो? आज तो ई श्रम कार्ड बनाए हैं। ई श्रम कार्ड बन गए। कितने बन गए? 15 तो बन गए। उम्मीद यहाँ अच्छी है? जी उम्मीद तो अच्छा है, लोग बना रहे हैं, फायदा लेना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने कभी बनाए नहीं। अगर कोई ई श्रमिक कार्ड बनाते हो उसके लिए क्या कागज चाहिए? आधार कार्ड चाहिए और एक उनका मोबाइल नंबर चाहिए और उनके बैंक पासबुक चाहिए। तीन चीज़ें चाहिए, उसके वजह से वो उसमें आवेदन कर सकता है और फायदा ले सकता है। तो आप देखें कि भारत सरकार की ये ई श्रम कार्ड की योजना है और आप इससे सीधा जुड़ सकते हैं, और आने वाले समय में एक बड़ी योजना इससे जुड़ेगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो आज ही जुड़े। तो सर संकेत मोदी जी श्रम निरीक्षक स्वयं इस शिविर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वयं इस शिविर में पधारे। आज शनिवार का दिन है और छुट्टी रहती है, लेकिन सर अपनी निजी गाड़ी लेकर, और देखिए पूरा शिविर में बजे ऐसे एक्टिव अधिकारी अगर जिस जिले में होंगे वहाँ निश्चित रूप से जनता का भला होगा, फायदा होगा।